हे ऑल डियर स्टूडेंट्स इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द्लाज्म इन द बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विदेनिंग पोर्शन ऑफ द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग आज एक और प्लाज्मिड डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पी यू सी एट और उसका नाम मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था दैट इज प्लाज्म यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मिला था ये बनाया गया था मतलब फर्स्ट टाइम और एट इज द नंबर ऑफ आइसोलेशन ऑफ दिस प्लाज्मली पीबीआर थ्री टू टू का ही मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट है ठीक है तो पीबीआर थ्री टू टू के अंदर modification करने के बाद में हमारे सामने पीयूसी आप लोगों को जो अगला वेरी नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस वाला वहां पर इंसुलिन का जब फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे सामने पीयूसी एट आता है और एनसीआरटी ने वहां पर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग बताई है पीबीआर थ्री टू टू को लेकर ठीक है तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि पीबीआर थ्री टू टू हमेशा ही सिलेक्टेबल मार्कर उसके पास में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जीन है टेट्रासाइक्लिन पीबीआर थ्री टू टू के लिए सिलेक्शन की प्रोसेस जो होगी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के थ्रू होगी और पी एट जो कि एक मॉडिफाइड पीबीआर थ्री टू टू का फॉर्म है और इसकी स्क्रीनिंग ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग होती है मतलब कि इंसुलिन के समय जो हम लोग प्लाज्मा इस्तेमाल करेंगे वो पी बी थ्री टू टू नहीं होगा बल्कि बल्कि वो क्या होगा वो होगा पी यू सी एट तो ये बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है यहां पर एनसीआरटी में ये थोड़ा मेजर मिस्टेक है जिसके अंदर कंफ्यूजन डेफिनेटली क्रिएट हो सकता है चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आ, हमने लास्ट क्लास में इंसर्जनल इनएक्टिवेशन पढ़ा था जहां मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर हम लोग बी एम एच वन का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग पी बी आर थ्री टू टू के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर हो जाएगी ठीक है अगर हम लोग पी एस टी वन का इस्तेमाल करते हैं या पी वी यू वन का इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मिड को कट करने के लिए तब जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करने के ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो एम्पेसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाएगा क्योंकि एम्पेसिलिन जीन जो है वो उसकी इंटीग्रिटी लॉस्ट हो जाएगी तो बहुत बेसिक बातें थी जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट समझे दे आर वेरी इजी बट दे आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न एंड द एग्जाम क्वेश्चन आर कंसर्न नाउ इन टूडेज लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद द एज अ वेक्टर प्लाज्म के अंदर का दूसरा एग्जाम्पल है यह ठीक है तो इसको देखते हैं प्लाज्म यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट इज द नंबर ऑफ आइसोलेशन ये पी एट है ठीक है पीओसी एट का पूरा अगर हम स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करें तो ये भी है बी थ्री टू टू की तरह ही होगा ठीक है इसको मैं रफली कंप्लीट कर देती हूँ इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली सर्कुलर ठीक है पर रफली कंप्लीट करके बता रही हूं कि ये ऐसे प्लाज्मेड है ठीक है ना कंफ्यूजन मत आना कि इतना ही टुकड़ा है क्या ऐसा कुछ प्लाजमेड है ठीक है इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन कहीं यहां होता है इस तरफ और इसके पास में भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है ठीक है लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर पीयूसी एट में कोई भी आपके रिकॉग्निशन एंजाइम की साइट नहीं है जैसे कि पहले हमने बनाया था ना यहां पर हमने लिखा था पी एस टी वन पी वन वैसे कुछ भी नहीं है इसके पास में जितनी भी रिकॉग्निशन साइट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ जीन के अंदर ही सीमित है और उसको हम लोग बोलते हैं लैक जेड जीन लैक जेड जीन ठीक है gene. Gene. ये लैक जेड जीन जो है ये जब भी हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है ठीक है ट्रांसक्रिप्शन जीन से एमआरएनए बनेगा ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन के थ्रू ये जो प्रोटीन बनाता है वो एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है और उसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोडे बीटा गैलेक्टोसाइडेज ठीक है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को एनकोड करता है लैकजेड जीन ठीक है तो हमें यहां पर यह वाला पॉइंट ध्यान रखना है लैकजेड जीन एनकोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ठीक है मतलब क्या मतलब क्या अगर ये जीन नॉर्मली इंटीग्रेटेड है तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा अगर इस जीन के अंदर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट करा दिया कहीं पर भी इनमें से कोई भी एंजाइम का इस्तेमाल करके तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडिज एंजाइम नहीं बनाएगा क्योंकि इसकी इंटीग्रिटी हो जाने वाली है लॉस्ट ठीक है तो हमें ये बेसिक पॉइंट्स तो मालूम ही है कि इंटीग्रिटी जीन की कब लॉस्ट होती है जब जीन के गिवन सेगमेंट में हम कोई दूसरा जीन इंसर्ट कर देते हैं या हम उस सेगमेंट ऑफ जीन से कोई जीन डिलीट कर देते हैं तो जीन की इंटीग्रिटी लॉस्ट हो जाती है और उसके एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट के कारण भी प्रोटीन एक्सप्रेशन बंद हो सकता है ठीक है तो हमें ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से देखने हैं कि लैक जीन इज इनकोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडिस एंजाइम एंड इस बीटा गैलेक्टोसाइडिस एंजाइम के क्या खासियत होती है दिस इज बेसिकली एन एंजाइम जिसका सबस्ट्रेट होता है आपका गैलेक्टोस uh, ठीक है अच्छा अब हमें ये बात समझ में आ गई कि बीटा गैलेक्टोसाइडिस एंजाइम गैलेक्टोस को ब्रेक करना जानता है ठीक है ओके दिस इज डन नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसमें कितने एंजाइम्स के रिकॉग्निशन साइट हम लोग को नजर आ रही है इको आर वन एस एम ए वन बी एम एच वन एस ए एल वन पी एस टी वन एच आई एन डी थ्री ठीक है इतना ध्यान रखना है ये ध्यान रखे तो ठीक है नहीं रखे तो भी चलेगा इसका रीजन क्योंकि एनसीआरटी के अंदर इसका वर्णन है ही नहीं डिस्क्रिप्शन है ही नहीं ठीक है फिर भी अगर आप लोग को याद रखना है तो मैंने इसके लिए एक अजीब सा निमोनिक बनाया हुआ था और वो मैंने निमोनिक बताती हूं यहां पर हम उल्टा पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसमें बोलना एक साथ बोलो सब पागल है ये थोड़ा अजीब निमोनिक है पर इससे याद रह जाएगा तुम लोगों को इको आर वन एक साथ से एस एम ए वन बोलो से बी ए एम एच वन सब से एस ए एल वन पागल से पी एस टी वन और हैं से एच आई एन डी थ्री ठीक है ये बेसिकली कभी भी एग्जामिनेशन में तुम्हारे नहीं पूछ जाएगा बट स्टिल अगर तुम्हें याद रखना है क्योंकि जब आप लोग टेस्ट पेपर्स देते हैं कि किसी ना किसी रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के और आपका नॉलेज वहां पर हाई लेवल पर टेस्ट करने की ट्राई करते हैं एनसीआर के ऊपर जाके बात करते हैं हमेशा तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और अगर आप उसका आंसर दे पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ के आता है ठीक है तो ये योग्य पीयूसी एट अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पीयूसी एट हमने समझ लिया मैंने बताया कि पीयूसी एट में जो लैक जेड जीन है ये बेसिकली गैलेक्टोज के ऊपर काम करता है ठीक है हमें ये तो मालूम पड़ गया कि गैलेक्टोज के ऊपर काम करता है लेकिन हमारे लिए कोई फायदे की बात उससे नहीं हो रही है तो हमने क्या किया हमने यहां पर सबस्ट्रेट चेंज कर दिया ठीक है हमने क्या कर दिया हमने हमारे सबस्ट्रेट को बना दिया क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या बना रही क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्रोमो का मतलब होता है कलर ठीक है सॉरी एंड जेनिक का मतलब होता है टू जनरेट तो ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या करने वाला है विल जनरेट कलर कहा जब जेड जीन इंटीग्रेटेड है ध्यान देना बिल्कुल जब जेड जीन इंटीग्रेटेड है मतलब हमने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की तब की बात हो रही है ठीक है तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ठीक है और अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम बनेगा बैक्टीरिया के अंदर ठीक है क्योंकि प्लाज्मा तो बैक्टीरिया के अंदर ही होता है तब उस बैक्टीरियल कॉलोनी को जब भी हम लोग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के तौर पे एक्स गैल देंगे तो रिएक्शन होगी ये वाली ठीक है अगर मैंने कह दिया कि लैक जेड जीन जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं है उसके अंदर इंसर्ट होने के कारण से क्या इंसर्ट हो जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट इनसर्ट इंसर्ट होने के कारण से लैक जेड जीन अगर इनएक्टिवेट हो गया इनएक्टिवेशन मतलब कि हमने इसके अंदर इसको ऐसे नहीं रहने दिया हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें फिट कर दिया तब क्या हो गया तब इसकी तो इंटीग्रिटी लॉस्ट हो गई तब ये बीटा गैलेक्ट्रोसाइट एंजाइम बनेगा नहीं एंजाइम बनेगा नहीं अगर तो हम बोलेंगे कि ये एक्स गैल के साथ में ये वाली रिएक्शन जो है वो आएगी नहीं ये है प्रिंसिपल इसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा ठीक है तो हम यहां पर बोलते हैं इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग करने वाले हैं जो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग ब्लू वाइट स्क्रीनिंग ठीक है अच्छा अब रिएक्शन थोड़ी सी देख लो रिएक्शन में क्या है जब हम एक्स गैल जो कि हमारा क्रोमोजेनिक सबस्टेट है जब वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में आता है ठीक है तो ये एंजाइम कैटेलाइज करता है रिएक्शन को जहां पर हमारे सामने बीटा डी गैलेक्टोज अलग हो जाता है और हमारे पास में एक कंपाउंड बनता है जो है फाइव ब्रोमो फोर क्लोरो थ्री हाइड्रोक्सी इंडोल और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बना देता है फाइव फाइव डाश डाइ ब्रोमो फोर फोर ब्लू प्रेसिपिटेट ठीक है इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग इस पूरी बात को एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझने की ट्राई करें तो ये हमारे सामने ऐसी हो जाएगी कि जब मेरे पास में एक प्लाज्म है और वो मेरे पास में पी है ठीक है तो मैं एक प्लाजमट बना रही हूं कि ये प्लाज्मेट मेरे पास में है पी यू सी एट ठीक है इस प्लाज्म को प्लस मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है कट करवाया ठीक है और रेस्ट्रिक्शन एंडो की मदद से ही हमने काम किया होगा डेफिनेटली इसको मैं इरेज कर रही हूं क्योंकि हम कलर चेंज करेंगे उसका ओके okay. ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवाना है इस प्लाज्म में ये प्लाज्म है मेरे पास में पी एट इसका ओरिजिन एप्लीकेशन यहाँ कहीं था ठीक है ओरिजिन एप्लीकेशन यहां कहीं था ठीक है इसके पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट यहां कहीं थी ठीक है और इसके पास में जो है इतने पोर्शन में इको आर वन और बहुत सारे और एंजाइम्स के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट थी और ये मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है मैंने किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से इस प्लाजमे को कट करवा दिया ठीक है? उसी सेम रेस्ट्रिक्शन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ठीक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास में आ जाएगा और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या करने वाले होस्ट के अंदर इंसर्ट करवाएंगे ठीक है so we will insert this recombinant DNA into the host body and <coughs> उसके बाद क्या होगा? तो host की body में insert हो जाएगा ये ampicillin resistant site वैसी कि वैसी ही है इतनी ठीक है ORI यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या आ गया हमारा gene of interest और इस कारण से ये हो गया आर डीएनए ठीक है अब जब मैं इसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाऊंगी ठीक है होस्ट में इंसर्ट करवाऊंगी ठीक है तब पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है या तो ये होस्ट के अंदर इंसर्ट हो जाए ठीक है ओके okay, तो या तो ये होस्ट के अंदर इंसर्ट हो जाए ऐसे ही बिल्कुल सेम है ना मतलब हम बोलेंगे कि होस्ट के अंदर आर डी आ गया ठीक है ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी तब इस पॉसिबिलिटी में जब ये आ गया है होस्ट के अंदर क्या मैं इस होस्ट को बोलूंगी ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ट्रांसफॉर्मेंट क्यों क्योंकि इस होस्ट में हमारा आर आरडीएन आ गया है सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये होस्ट के अंदर जो है प्लाज्मिड कोई दूसरा आ गया और ये वाला प्लाज्मिड नहीं आया मतलब कि प्लाज्मिड टूटा ही नहीं बाय चांस या कोई एरर बाय मिस्टेक हो गई और एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ होने के कारण से हमारा आर आरडीएन नहीं अंदर आया ठीक है इनफैक्ट कुछ अलग ही अंदर आ गया ठीक है? है दूसरा बिना कटा हुआ प्लाज्मिड अंदर आ गया तो हम क्या बोल देंगे इस वाले केस को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट ठीक है और मुझे इन दोनों को अलग अलग सिलेक्ट करना है मुझे इसको ग्रो करवाना है इसको ग्रो नहीं करवाना है तो मैं क्या करूंगी मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करना चाहती हूँ तो मैंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज लिए हैं जो मेरे पास में टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरियाज हैं बहुत सारे होंगे उसमें से मैं सारे बैक्टीरियाज को एक एक सिंगल बैक्टीरिया उठा के हम वेल well में डालेंगे ठीक है ना अब हम सारे तो बैक्टीरिया नहीं ले सकते इसीलिए हम रैंडमली जो हेल्दी बैक्टीरियाज़ हैं, उनमें से किसी कुछ एक सिलेक्ट करके हम पुट करेंगे ठीक है तो मान लो कि तुम्हारे पास में कुछ बैक्टीरिया तो ट्रांसफॉर्मेंट है इसी मीडियम में ठीक है और कुछ एक बैक्टीरिया तुम्हारे पास में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ठीक है

मैंने यहां पर लिया है अगार जो कि मीडियम है हमारा ग्रोथ मीडियम प्लस यहां पर हम एम्पेसिलिन भी लेंगे कारण क्या है कि हमें पता है कि हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उनके पास में क्योंकि पी यू सी एट है वेक्टर मॉडिफाई किया हुआ पीयूसी एट के पास में होता है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन और क्योंकि इनके पास में एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन होती है ये एम्पेसिलिन के ऊपर ग्रो कर सकते हैं तो हम अगार मीडियम लेंगे हम एम्पेसिलिन लेंगे इसी के साथ में हम क्या लेंगे हम लेंगे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जिसका नाम है एक्स गैल क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जिसका नाम है एक्स गैल ठीक है अब मैं बताती हूं क्या होगा अब यह होगा हमारे पास में कि जो बैक्टीरिया हमारे ट्रांसफॉर्म हो गए हैं उसके पास में ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं आएंगी तो वो रह जाएंगे वाइट वाइट कलर की कॉलोनी बनाएंगे वो डेवलप होके और जो बैक्टीरियाज हमारे ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं उनके पास में क्योंकि नॉर्मल एक्स गैल का मॉडिफिकेशन होकर और वो ब्लू इंडिगो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उनकी कॉलोनीज आएंगी ब्लू कलर की इस स्क्रीनिंग को हम लोग बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग ठीक है तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था और आई रियली होप कि आप समझ गए होंगे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट अगर हो गया है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए एन प्रॉपरली बन गया है तो कॉलोनीज कैसी आएंगी व्हाइट कलर कॉलोनीज तो मैं लिख देती हूँ व्हाइट कॉलोनीज ठीक है ट्रांसफॉर्मेंट की होंगी है ना और जो आपकी ब्लू कॉलोनीज हैं वो होंगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया की और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसपे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहते ठीक सो दिस इज डन दिस मच इज डन और ये मैंने जो लिखा है यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा है दिस इज दी कल्चर मीडियम अगार वगैरह जो हमने लिया है ना ये है कल्चर मीडियम जो कि यहाँ पर भरा हुआ है ठीक है सो दिस इज डन ये तुमको अब इजिली फोटोग्राफ से और समझ में आ जाएगा क्लियरली देखो ध्यान से यहाँ पर सब लोग थोड़ा जूम करते हैं ओके okay. हमें क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है प्लाज्म ठीक है ना हमने फॉरन डी इंसर्ट करने की ट्राई करवाई ठीक है तीन केसेस हमारे सामने आए पहला केस आया हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ ही नहीं ठीक है चलो उसको जूम नहीं करते हैं वरना मैं लिखे नहीं पाऊंगी पहला केस हमारे पास आया कि हमारे जो फॉरेन डीएनए है वो इसमें इंसर्ट हुआ ही नहीं ठीक है दूसरा केस आया कि हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट तो हुआ पर लैक जेड में नहीं हुआ और तीसरा पॉसिबिलिटी जो आया हमारे पास वो कि फॉरन डी एन ए इंसर्ट हुआ लैक जेड के अंदर ही इंसर्ट हुआ तो सिर्फ ये एक मात्र ही तो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ Isn't it? और बाकी दोनों कैसे रह गए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि ट्रांसफॉर्मेंट अकेले की ही व्हाइट कॉलोनीज आएंगी बाकी सबकी ब्लू कलर कॉलोनीज आएंगी तो ये व्हाइट इसकी आ गई बाकी दोनों की कैसी आ गई ब्लू

ठीक है ये जो इतना पैराग्राफ लिखा है इन्होंने ये लिखा है पीबीआर थ्री टू टू के कॉन्टेक्स्ट में कि पीबीआर बी थ्री टू टू के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि वो एक कम्बरसम या प्रोसीजर था ठीक है जिसमें इट इट इज अ क्या प्रोसीजर जहां पर हम लोगों को दो एंटीबायोटिक्स में साइमल्टेनियस जो है इनको ग्रो करके देखना पड़ रहा था ठीक है इसी कारण से देर फोर ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स ठीक है ऑल्टरनेटिव सिलेक्टिबल मार्कर्स

इनको लिखना था ठीक है कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम लिखना कुछ गलत नहीं है पर कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम का नाम क्या है इसका नाम है आपका जीन ये ज्यादा बेटर होता है ठीक फॉर द एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडिस दिस रिजल्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर ऑफ दिस एंजाइम इंसर्ट होगा तो इनएक्टिवेट हो जाएगा वो विच इज रिफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्टेट ज इफ द्लाजम इन दैक्टीरिया डज नॉट है हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है और इन्होंने बोला प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन टू इंसर्शनल इन एक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेजीन एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर मतलब कि हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है these ones are identified as a recombinant colonies or the transformed ones okay? so this is all about the pbr322 and the puc8 as the plasmid vectors now ncrt directly gives us the vectors for cloning in cloning genes in plants and animals but we will do something uh, in a different manner because these kind of things will be asked in the examination with respect to the size of इंसर्ट ठीक है तो हम वैसे ही देखेंगे हमने क्या देखा देखो हमने देखा ठीक है हमने प्लाज्म में देखा क्या पी बी आर थ्री टू टू और क्या देखा पी यू सी एट ये दो हो गए हमारे कंप्लीट अब आते हम लोग प्लाज्म का इंसर्ट साइज कितना हो सकता है अप्रोक्सीमेटली तो प्लाज्मेड का इंसर्ट साइज अप्रोक्सीमेटली हो सकता है बीस के बी के आसपास ये के भी क्या है ये किलो बाइट नहीं है ठीक है ये किलो बेस पेयर्स हैं क्या है ये किलो बेस पेयर्स <coughs> ठीक है मतलब हम ट्वेंटी के भी बोल रहे हैं मतलब हम ट्वेंटी थाउजेंड बेसिस इतना बड़ा जीन इंसर्ट कर सकते हैं ठीक ये हुई बात नेक्स्ट <coughs> देखते हैं हम लोग प्लाजम के बाद में बैक्टीरियो फेज एज ठीक है ये भी वैक्टर की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है क्या बिल्कुल करा जा सकता है क्योंकि बैक्टीरियो फेज बैक्टीरिया को अटैक करते हैं ठीक है और अगर हमने हमारा जीन जो है वो बैक्टीरियो फेज के अंदर इंसर्ट करा दिया और बैक्टीरियो फेज ने अगर अटैक किया बैक्टीरिया के ऊपर ठीक है जो कि हमने करवाया तो बैक्टीरिया के अंदर वो जीनोफिंट्रेस को इंसर्ट कर देगा और बैक्टीरिया के अंदर हमारे जीनोफिंट्रेस की मल्टीपल कॉपीज भी मिल जाएंगी ठीक है बैक्टीरियो फेज खुद भी जीनो खुद भी जीन की कॉपी बनाएगा और बैक्टीरिया भी बनाएगा ठीक है मतलब मतलब समझ आया क्या होगा फेज भी तो डिवाइड करेगा ठीक है और बैक्टीरिया भी डिवाइड करेगा ठीक है तो जितना ज्यादा बैक्टीरियो फेज अटैक करेगा बैक्टीरिया के ऊपर उतना हमारे जीनो फिंटर्स की कॉपीज बनेंगे बेसिकली यहां पर यह प्रोसीजर थोड़ा सा कम्बरसम होता है थोड़ा सा हैक्टिक होता है प्लाज्मा वाला कंपेरेटिवली इजी होता है क्योंकि हम वायरस को इंक्लूड नहीं करते वहां पर लेकिन बैक्टीरियो फेज वाले केस में ये है कि कॉपी नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है आपके पास में जीन का, ठीक है? फेजस जो रहते हैं, इसमें हम दो फेज की बात करते हैं हमारे पास में इस्तेमाल करते हुए हम लोग कितना जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट का इंसर्ट साइज रख सकते हैं हम रख सकते हैं इंसर्ट साइज अप्रोक्सीमेटली टू के बी से चालू करते हुए ठीक है ट्वेंटी फाइव के बी तक का दो बी से ट्वेंटी फाइव के बी तक का जीन इंसर्ट साइज हम लोग रख सकते हैं अगर हम बैक्टीरियो फेज वैक्टर्स की हेल्प लेते हैं तो ठीक है ये कैसे काम करेगा हम क्या करेंगे हम करेंगे इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा हमारा इन बैक्टीरियो फेज ये करेंगे हम लोग पहले ठीक है फिर बैक्टीरियो फेज को हम क्या करेंगे अलाउ इट टू अलाउ इट टू कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया हम अपने हिसाब से एक बैक्टीरियल कॉलोनी के ऊपर बैक्टीरियो फेज का अटैक करवाएंगे ठीक है और इसके बाद में फिर क्या होगा द कॉपी या क्लोनिंग हम बोल सकते हैं क्लोन्स ऑफ जीन विल बी ऑप्टेन्ड ठीक है ऐसे है ठीक है एंड दिजायर्ड प्रोटीन कैन दस बी ऑप्टेन्ड डिजायड प्रोटीन कैन बी ऑप्टेन्ड ठीक है तो ये हो गया एक ठीक है तो बैक्टीरियो फेज भी वेक्टर की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं मतलब कि प्लाज्मिड कैन बी अ वेक्टर बैक्टीरियो फेज कैन बी अ वेक्टर देन थर्ड वेक्टर विच कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज गोइंग टू बी द ठीक है ये क्या होता है फेजमेड क्या होता है तो ये होते हैं आपके फेज मतलब कि बैक्टीरियो फेज ठीक है प्लस प्लाज्मिड का कॉम्बिनेशन ठीक है तो ये हो जाएंगे एक प्रकार से आर्टिफिशियली बनाए हुए वेक्टर्स जिनके अंदर हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा मतलब बड़ा बना सकते हैं पर इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि फेजमिड की कैपेसिटी भी करीबन पच्चीस के बी तक की ही होती है तो इंसर्ट कितना बड़ा जीन का कर सकते हैं हम लोग ट्वेंटी फाइव के बी इसका मतलब फिर समझ लो पच्चीस हजार बेस ठीक है, है, ये ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत important रहता इसीलिए मैं तुमको बता रही हूं. Is, we can say, हम बोल सकते हैं इसको a combination product of and plasmid. Plasmid और दोनों को जोड़ के बना दिया हमने मिड ठीक है ऐसे ही सेम एक और टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्मिड और कॉस्मिड भी फेज वेक्टर और प्लाज्मिड का कॉम्बिनेशन है लेकिन फेज वेक्टर की एक पर्टिकुलर साइट हम लेते हैं जीन की एक साइट होती है उसको हम बोलते हैं कॉस साइट ऑफ जीन ठीक है बेसिकली चिपकने वाली साइट होती है इनको हम बोलते हैं कोहेजिव एंड ये कोहेजिव एंड हम ले लेते हैं और हम प्लाज्मिड के अंदर मिक्स करके और जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्मिड ठीक है और कॉस्मिड के अंदर इंसर्ट साइज कितना होता है इसका इंसर्ट ले ठीक है फोर्टी फाइव के बी तक का जीन इंसर्ट इसके अंदर आराम से कॉपी हो सकता है इसीलिए हम कॉस्मेट भी बनाया है हमने आर्टिफिशियली ताकि हम बड़ा जीन इंस, आ, इंसर्ट कर सकें और उसकी कॉपी बना सकें ठीक है लेकिन तब भी ये कोई बहुत बड़े जीन साइजेस नहीं है कॉस्मेट के हिसाब से जो हमने बोला हम कुछ एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियली बनाए हुए आपके वेक्टर्स का उसमें एक एग्जांपल हमारे पास आता है बी वेक्टर ये होता है आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ठीक है और ये आपका अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड के बी तक का जीन इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं ये बी ए वेक्टर आप लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर सुनते हैं बी ए सी 300 तीन सौ के बी तक का बड़ा जीन ऑफ इंसर्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट का इंसर्ट साइज ले सकता है और उसकी कॉपीज बना सकता है ठीक है सिक्स हमारे पास आता है वाई ए सी वेक्टर्स और वाई ए सी जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ये सबसे बड़ा जीन साइज ले सकता है ठीक है जो कि है आपका टू हंड्रेड टू टू थाउजेंड के बी इतना बड़ा इंसर्ट ये ले सकता है समझ रहे टू थाउजेंड के बी ठीक है समझ रो जीरो अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है जस्ट इमेजिन हम डीएनए बना रहे हैं ठीक है मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है बीस लाख बेस पेयर वो आराम से इंसर्ट साइज के तौर पर ले पा रहा है कितना बड़ा जीन का कॉपी बना के दे रहा है उसको हम बोलते हैं वाई ए सी वैक्टर्स ठीक है तो इस तरीके से हमारे कुछ एक वैक्टर्स है जो की बहुत इंपॉर्टेंट वैक्टर्स है इनके इंसर्ट साइज पे क्वेश्चन आ सकते हैं पूछते हैं हमेशा अरेंजमेंट असेंडिंग या और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है तो आप बता पाओगे क्या अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको ठीक है इफ आई एम गिविंग यू ऑल वन क्वेश्चन आर यू ऑल एबल टू गिव मी द करेक्ट आंसर यस और नो में ठीक है फाइंड द करेक्ट वन ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन सर्ट साइज या हम बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट साइज ठीक है पॉसिबिलिटी बहुत ही गंदे तरीके से लिख रही हूं मैं फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट साइज पॉसिबिलिटी इन अ गिवन वेक्टर ठीक है इन अ गिवन वेक्टर चलो अब देखते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग जैसा भी तुम लोगों को सही लगे बताना है पर ना प्लास्मिड ठीक है कॉस्मिड ठीक है फीजमेड ये बताना है फिर बी एसी वाई ए सी प्लास्मिड ठीक है तीसरा देखो प्लाज्मिड कॉस्मिड वाई ए सी चौथा देखना B uh, Y A C B A C ठीक है एंड प्लाजम ठीक है इसमें से क्या तुम्हें एकदम परफेक्ट आंसर नजर आ रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट साइज के रिस्पेक्ट में बताना है हम लोगों को ठीक है तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए है कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स करेक्ट आंसर के ऊपर मैं हार्ड बनाऊंगी ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट वेक्टर्स नाउ हम एनसीईआरटी के वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिफिकली टी आई प्लाजमेट जो की बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसको हम वेरी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले हैं और इसके बाद में हम कैसे कवर करेंगे टी आई प्लाजमेट ये सब पॉइंट्स मैं करवाऊंगी फिर हम कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ेंगे ऑल्सोड हम एक सिंगल लेक्चर के अंदर ये पूरा पोर्शन कहाँ से लेके दो प्रोसेस ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी पूरा हम कोशिश करेंगे कंप्लीट अप करने के लिए ठीक है सो दिस इज ऑल डन हम एटलीस्ट थ्री टू फोर लेक्चर्स और लेंगे लेकिन संडे मतलब कि कल के पहले ये चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगी बाय संडे इवनिंग दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल सो बाय एवरीवन विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर नाउ